तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम अपना तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा कनेक्शंस के बारे में। तो आज का टॉपिक का स्टार्ट हम करते हैं डेटा कनेक्शन से। डेटा कनेक्शंस मतलब एक अदर सॉफ्टवेयर को एक्सेल में लाना। तो अदर सॉफ्टवेयर तो बहुत कम होता है, लेकिन जो मेन मोटिव होता है एक्सेल को एक्सेल के साथ लिंक करना। सबसे पहले उस चीज को हम जानते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए दो एक्सेल फाइल है, दो एक्सेल फाइल आपके पास है, अगर उन एक्सेल फाइल के बीच में अगर लिंक लगाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर इक्वल किया, इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा, तो ये आपका फॉर्मूला से लिंक होता है। लेकिन फॉर्मूला या से लिंक करने पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको उसको ड्रैग करना पड़ता है, ताकि बाकी डेटा है कल के डेट में कमता है या ज्यादा होता है, तो आपको उसी हिसाब से ड्रैगिंग पॉइंट रखना पड़ता। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ना आपका बहुत बड़ा डेटा है तो हैंग होने के चांसेस होते हैं। तो मैं अपने दूसरे फाइल को लिंक करना चाहता हूं, मैं दूसरे फाइल को लिंक करना चाहता हूं अपने इस फाइल में, बट विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। तो उसके लिए आप डेटा मेनू बार में जाते हैं। तो डेटा मेनू बार में आपके पास यहां पे डेटा गेट एक्सटर्नल डेटा का आता है टॉपिक, उसमें यहां फ्रॉम एक्सेस, बट आप देख रहे हैं कि यहां पे एक्सेल का कहीं जिक्र नहीं है। एमएस एक्सेस से तो डेटा ला सकते हैं, सीक्वल से डेटा ला सकते हैं, बट एक्सेस का कोई रोल नहीं है। तो फ्रॉम एक्सेस पे जो आप क्लिक करते हैं, वहीं पे यहां एक्सेस के नीचे जब ड्रॉप डाउन कीजिएगा, तब यहां आपको ऑल फाइल मिलेगा, ऑल फाइल, इसको क्लिक करें। जब आप ऑल फाइल पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहां पे आप एक्सेल की फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेटा वाली फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया, और इसने एक पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करके ओके किया एंड अगेन ओके। तो ये देखिए एक्सेल से हमारा वो डेटा एक्सेल से लिंक हुआ, और जैसे हमारा जो डेटा वाली फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, अगर वो अपडेट होता है तो ये भी अपने आप को अपडेट कर लेगा जस्ट रिफ्रेश करते हुए। जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा, वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती कि पूरा का पूरा डेटा आया, मुझे फिल्टर डेटा चाहिए। मैं उस पर्टिकुलर डेटा से इस डेटा को लिंक तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा फिल्टर हो के आए, मतलब कि पूरी पूरी डेटा आना, मैं मंथ जिस मंथ का चाहूं उसी मंथ को हो आए। फिर उस केस के लिए हम इस तरह के डेटा कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का। यहां देखिए अदर सोर्सेस में आप जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी सबसे लास्ट में दिखेगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें हम एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। और यहाँ पे हम जाते हैं अपना डेस्कटॉप पे, लोकेशन देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेल फाइल है, यहाँ पे ड्राइव्स हैं और यहाँ पे फोल्डर है। जो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ आएगा। तो डेटा है हमारा, यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया एंड ओके करते हैं। अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इस चीज को यूज करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन में जाके देखेंगे कि हाँ टेबल यहाँ पे जो है ये अनचेक होता है,
सिस्टम टेबल्स, अगर ए अनचेक है तो आपको यहां पे कुछ नहीं दिखेगा। तो आप ऑप्शन पे जाएं और सिस्टम टेबल को ओके करें तो फिर आपको यहां पे उसके सीट्स दिखेंगे। अब जरूरी नहीं कि सीट पूरा डेटा आप लो, मान लो कि पर्टिकुलर कॉलम को आप चाहते हो कि मेरा लिंक ना हो, मेरा इंपोर्ट ना हो, तो उसको नहीं भी रख सकते हो। पूरा चाहिए तो फिर इस पे क्लिक करके इसमें ला दो, पूरा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब कनेक्शन मतलब कंडीशंस, किस पे कंडीशंस लगाना है। तो मैं मंथ के अकॉर्डिंग चाहता हूं, तो मैंने मंथ वाले फील्ड पे अपना कर्सर रखा और यहां जो मंथ दिख रहा है उस पे गया और इक्वल टू यहां से हमने एक कंडीशन सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट अप्रैल। अगर कोई और कंडीशंस है तो नीचे इसमें यूज कर सकते हो, फिलहाल मेरे पास कोई और कंडीशंस नहीं है। फिर नेक्स्ट, अगर उसको शॉर्ट करके डेटा चाहिए तो किसके भी यहाँ पे शॉर्ट चाहिए वो भी यहाँ दे सकते हो, नहीं तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड फिनिश। उसके बाद आपको जो डेटा चाहिए वो टेबल में, मतलब डेटा के रूप में चाहिए या पिवट टेबल में चाहिए, तो डायरेक्टली आप पिवट टेबल भी लगा सकते हो डेटा ना लेके, लेकिन मुझे डेटा चाहिए, देन ओके। तो यहां पे देखिए सिर्फ अप्रैल महीने का डेटा आपके पास रिसीव हो गया, पूरा डेटा नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि मुझे मान किसी और मंथ का चाहिए तो फिर मैं मुझे मुझे वो पूरा प्रोसेस को करना पड़ेगा जो प्रोसेस अभी किया मैंने, तो पूरा प्रोसेस दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे मैं चाहता हूं कि मंथ लिखा और मैं यहां पे मान लीजिए कि मैं जैन लिखूं तो जैन का आना चाहिए, और मैं चेंज करूं तो यहां अपडेट भी होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्यूरी को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा डेटा मेनू बार के अंदर, कनेक्शंस के अंदर, कनेक्शंस की टैब के अंदर कनेक्शंस, और यहां पे हमारा इधर डेटा इसमें बहुत सारे जो भी है वो सारा रहेगा। तो क्यूरी फ्रॉम एक्सेल फाइल जो यहां है इस पे जाइए, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहां पे देखिए रिफ्रेश एवरी मिनट आप चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश व्हेन द ओपन फाइल वगैरह वगैरह यहां पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन मुझे डेफिनेशंस पे जाना है जहां पे सिक्वल क्यूरी लगा है। अब आपको सिक्वल क्यूरी थोड़ी बहुत आती होगी तो ये चीज आप समझ सकते हैं, अगर क्यूरी नहीं आती है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप सबसे नीचे जाए ढूंढे कि मंथ कहां पर है, वेयर कंडीशन मतलब कि मंथ कहाँ, अप्रैल है, अप्रैल कहाँ है, ये अप्रैल रहा तो अप्रैल को डिलीट करें और ये सिंगल कोड को भी डिलीट करें, इसके जगह पे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद जैसे ही आप उसको ओके करेंगे आपसे पैरामीटर पूछेगा, तो वहां पे इस पे क्लिक करें यूज रेफरेंस एंड रिफ्रेश ऑटोमेटिकली, और यहां पे जाके आप जो है अपने उस जगह को सिलेक्ट कर लें जहां पे आप मंथ को चेंज या ड्रॉप डाउन वगैरह करना चाहते हैं, फिर ओके एंड फिर इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए जैन का रिपोर्ट आ गया। अब मैं यहां पे मंथ चेंज करता हूं फैब, तो यहां पे फैब का रिपोर्ट आ जाता है, मार्च करता हूं यहां पे मार्च का रिपोर्ट आ जाता है, यहां अप्रैल का रिपोर्ट कीजिए तो अप्रैल का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इसके बात करें तो यहां पे गेट एंड ट्रांसपोर्ट का एक नया चीज आया हुआ है, उस पर अगर जाए यहां पे तो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से डेटा को लाना चाहते हो या सीबीएसई से, एक्सएमएल से, टेक्स्ट से या फोल्डर से, फ्रॉम फोल्डर मतलब कि एक फोल्डर है आपके पास, उस फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है उसका पूरा लिस्ट चाहिए तो ला सकते हैं। लेकिन जो फीचर है सिर्फ 2016 में अवेलेबल है, 2013 में नहीं मिलेगा आई थिंक। आप लोगों के पास अगर सिस्टम होगा किसी के पास तो प्लीज चेक कर ले कि क्या 2003 में थ्री में भी है या नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा है कि 2003 में नहीं मिलेगा।
और इसके लिए आपके पास .NET फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, भी वर्क करेगा अदरवाइज नहीं। देखिए नीचे लोडिंग .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसमें इसमें ये थोड़ा सा एडवांस है और ज्यादा डेटा कनेक्शंस के लिए, क्यूरी के लिए। मैं ब्राउज करता हूं फोल्डर, मान लीजिए कि मैंने फोल्डर जो है एक्सेल फाइनेंस क्लास में, ये सारे फाइल्स का लिस्ट आ गया। और फिर मैं इसको लोड पे क्लिक करता हूं तो सारे फाइल का लिस्ट हमें यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना बाकी है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन वही है 2013 में ही मिलेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा एडवांस फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर तो आप इस्तेमाल करते होंगे, अब चलिए हम बात करते हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। एडवांस फिल्टर का क्या इस्तेमाल होता है? तो बेसिकली एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल होता है, फिल्टर जो आप करते हैं तो वो तो करते ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और एडवांस तरीके से इस्तेमाल की जाए तो एडवांस फिल्टर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कुछ डेटा को लेता हूं, मैं यहां पे कॉपी करता हूं हेडिंग, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है तो मुझे हेडिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे मैं चाहता हूं जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है वो आया, उसका डेटा चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, सॉरी यहां पर आईटी का ना आईपीटी कर दिया मैंने, आईटी डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए जिसका मंथ जून है और मुझे सिटी में जीजीएन का डेटा चाहिए, पूरा जीजीएन का डेटा चाहिए, और दूसरा मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000। तो इतने सारे कंडीशंस के बिहाफ पे आपको फिल्टर लगाना है तो आप एक बार तो फिल्टर नहीं लगा सकते, आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। अगर डेटा को कॉपी करना है या कहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को, तो आपको वन बाय वन ही कॉपी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एडवांस फिल्टर लगाएंगे, एडवांस फिल्टर, और यहां पे क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके कीजिए। तो देखिए इस कंडीशन के बिहाफ पे आपका फिल्टर यहां लग गया। इसमें और चीजें भी है कि एडवांस फिल्टर लगाते समय आपको यहां पे यूनिक रिकॉर्ड करेंगे तो जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, पूरा का पूरा रो डुप्लीकेट है, वो यहां पे आपको दिख जाएगा, वो भी डुप्लीकेट हट जाएगा, सिर्फ उसका एक रहेगा। मान लीजिए एक तीन बार आ रहा है तो पहला रहेगा और बाकी दो फिल्टर के भीतर हाइड हो जाएगा। और दूसरा एडवांस फिल्टर में है कॉपी टू अदर लोकेशंस, मतलब कि मैं इस डेटा कॉपी करना चाहता हूं इन द डिफरेंट लोकेशंस, लेकिन विद इन द सीट, सीट से बाहर कॉपी नहीं होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, आपका पूरा डेटा देखिए यहां पे कॉपी हो गया, जो डेटा ऊपर के सारे कंडीशन को मैच कर रहा है। तो ये एडवांस फिल्टर आप अपने यहां अपने जो ऑफिशियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब एक छोटी सी चीज और करें जो कि मुझे, जिसके लिए मुझे बराबर फोन आता है,
फोन आता है कि आपके पास डेटा जो है कभी कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है, सिंगल टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है, तो आप इसको नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कहीं से कॉपी करते हैं, बेसिकली अगर किसी डेटाबेस से कॉपी करते हैं और उस फील्ड को डिफाइन करते समय अगर उसकी डेटा टाइप को टेक्स्ट ले लिया है तो नंबर में ही आएगा, होता है बहुत सारी जगहों पर। तो उस केस में बोलते हैं कि भाई टेक्स्ट टू कॉलन पे क्लिक करो एंड फिनिश कर दो, आपका डेटा नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 90% केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10% केसेस में नहीं होता है, जिसमें कोई अलग ऐसे करेक्टर है, टेक्स्ट करेक्टर इसके अंदर होगा, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होगा, जिस कारण से। तो आप लोग इसके भी इसका बेनिफिट उठाइएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारा है, और नेक्स्ट बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन, हाँ, डेटा वैलिडेशन से पहले आपका एक फ्लैश फील, ये फ्लैश फील आई थिंक मैंने नहीं करवाया है ना, पहली क्लास में मैंने फ्लैश फील किया था। किसी को याद है? चलिए पहले हम फ्लैश फील के बाद बात करें। जैसे कि मेरे पास कई सारे नाम है, नीरज कुमार, मनीष खन्ना, नीतू पात्रा, ऐसे मेरे पास बहुत सारे नाम है जो कि किसी का फर्स्ट नेम भी है, किसी का सेकेंड नंबर भी है, सेकेंड नेम भी है, और किसी का लास्ट नेम भी है। और मुझे इसमें से फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है। तो इसके लिए आप लोग टेक्स्ट टू कॉलन, लेफ्ट राइट, मिड ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लैश फील इसके लिए सबसे परफेक्ट है। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं किसी एक सेल पे गया, पूजा लिख दिया, लिखने के बाद एंटर प्रेस किया और फिर हम फ्लैश फील पे क्लिक कर दिए, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा पूरा का पूरा इस तरह से कॉपी पेस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर दिया। ऐसे मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो मैं अगेन यहां पे सिंह लिखा, एंटर मारा एंड फ्लैश फील। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप नाम लिख के एंटर मारोगे, फ्लैश फील पे करोगे, तो देख लेगा कि भाई जो टाइप किया हुआ वैल्यू है वो उसका पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से वो अलग कर देगा। और सिर्फ नाम ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे डेट लिखा हुआ है, मुझे इसमें से सिर्फ मंथ को अलग करना है, तो मैं यहां पे जैन लिखूंगा, एंटर मारूंगा और फिर यहां पे फ्लैश फील। या फिर कोई नंबर लिखा हुआ उसमें डेसिमल प्लेसेस है, अब मैं इसमें अगर 0.36 लिखा और एंटर मारा और फ्लैश फिल किया, तो जितने भी नंबर है उसके डेसिमल प्लेसेस आपको अलग हो जाएंगे। लेकिन इसको करते समय एक छोटी सी कंफ्यूजन भी होती है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहां पे मैंने बोल दिया 80.36 और मैं यहां पे 0.36 लिख के एंटर प्रेस किया और फ्लैश फिल किया, तो यहां पे देखिए तो क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम, कि 0.36 करने से, आप 0.36 भी करोगे तो ऑटोमेटिकली 0.36 वही जाता है। तो इसने कंसीडर कर लिया है कि तीन लेटर को अलग करने हैं, तीन डिजिट को अलग करने हैं और सबको अलग कर दिया। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए सिंपल सी टॉपिक है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहला स्टार्टिंग में, चाहे नेम में हो, चाहे डेट में हो या नंबर में हो, जरूरी नहीं कि पहले फर्स्ट रो से ही करना है, आप नीचे भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे 0.36 करके एंटर मारूंगा और फिर फ्लैश फिल करूंगा, तो ये सही तरीका से अलग करेगा। तो फ्लैश फिल में किसी को डाउट है?
फ्लैश सेल के बाद नेक्स्ट आता है डेटा वैलिडेशन। तो चलिए डेटा वैलिडेशन के बारे में जानते हैं। डेटा वैलिडेशन मतलब कि अगर मैं इस कॉलम में जो चाहूं वही एंट्री हो, जैसे कि मैंने मान ली कि यहां पे मोबाइल नंबर जो है एंट्री 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया और यहां पे टेक्स्ट लेंथ ले लिया और यहां पे मैंने इक्वल टू कर दिया 10। तो सिर्फ यहां पे 10 डिजिट से जैसे आप गलत लिखोगे या कम लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एंट्री को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो डेटा वैलिडेशन होता है एंट्री को अपने हिसाब से करना। तो उसमें जो चीजें हैं, एक बार बेसिक चीज समझ लीजिए, होल नंबर मतलब कि विदाउट डेसिमल प्लेसेस, विदाउट डेसिमल्स नंबर डाल सकते हो, डेसिमल्स लिस्ट, ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमने पहली क्लास में बताया था आपको कि कोई ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन यहां से क्रिएट कर सकते हो, डेट कोई डेट टाइम कोई टाइम पे, और टेक्स्ट लेंथ मतलब कि उसके लेंथ पे। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट लेंथ पे, जो मैं अभी लगाया है उसी पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने कोई गलत नंबर डाला तो मेरे पास ये पॉपअप आता है और ये पॉपअप में जो लिखा हुआ है वो हम जैसे आप जैसे लोग समझ सकते हैं कि हम डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, लेकिन आपके ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी एक्सेल पे उतनी ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं होगा या एक्सेल को ज्यादा यूज नहीं करते होंगे, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहां पे मेरा खुद का मैसेज आए। तो डेटा वैलिडेशन में करते समय यहां पे इनपुट मैसेज को भी और यहां अलर्ट को लिख सकते हैं। तो पहले इनपुट मैसेज को देखते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स की। जैसे कि मोबाइल नंबर में है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये माउस पॉइंटर जाने पे ही दिखता है, जब मैं देखना चाहूं तभी मैं इसको देख सकता हूं, अगर मैं कर्सर ले गया तो कर्सर पे नहीं दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कोई मोबाइल नंबर यहां पे लिखने के लिए, मोबाइल नंबर लिखने के लिए कर्सर तो जरूर रखेगा, जैसे वो कर्सर रखेगा मुझे यहां पे इन्फॉर्म होना चाहिए कि इसको बता देना, कमेंट यहां शो होना चाहिए। तो उस केस में हम डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे मोबाइल और यहां पे टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, टाइटल हुआ या मैसेज हुआ कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। एंड हमने ओके कर दिया। अब जैसे इस पर कर्सर जाएगा देख रहे हैं मैसेज दिख जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई गलती करता है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और अलर्ट, अलर्ट में आप अपना मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया रॉन्ग मोबाइल, टाइटल हो गया है नंबर, और यहां पे लिखते हैं जो मैसेज देना चाहते हो आप कि प्लीज चेक एंड अगेन एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। तो इससे क्या होगा कि एंटर मारोगे तो ये आपका अपना खुद का मैसेज देगा। इस मैसेज में ही भी दो तीन चीजें होते हैं, उसको देख लीजिए। स्टॉप, एक किसी भी कीमत पे एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वार्निंग, ये आपको वार्न करेगा और एंट्री यस या नो बोलेगा और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा और इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगा। मैं वार्निंग एक बार दिखाता हूं क्या मैसेज, कैसा मैसेज आएगा, ये आएगा, साउंड भी आएगा अलग से, यस कर दोगे तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर दोनों है, लेकिन टेलीफोन नंबर डालते ही मैसेज देना चाहिए, तो उसके लिए आप वार्निंग यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्म करेगा।
और एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। ये रही डेटा वैलिडेशन के चीज है। लेकिन डेटा वैलिडेशन में हम थोड़ा सा कुछ एडवांस करना चाहते हैं, इट मींस कस्टम, जो हमारा कस्टम है इस कस्टम को हम यहां करना चाहते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने यहां पे अकाउंट नंबर लिखा और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके। आपको फर्स्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आपने क्या किया था कि डुप्लीकेट्स को हाईलाइट किया था। बट मैं यहां पे डुप्लीकेट एंट्री चाहता ही नहीं हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां के लिए है कि आपकी किसी ने एंट्री कर दी है, और कंडी ए आपका जो है किसके लिए है कि एंट्री करते से पहले, कि एंट्री किसी से करवाना चाहते हो और डुप्लीकेट नहीं चाहते हो तो ये मेथड लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। उसके लिए याद रखिए, अभी तक जो देखा मैंने कि मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था, बट यहां पे सिंगल सेल सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पे सेटिंग में जाए कस्टम, कस्टम में इक्वल काउंट इफ और मैंने काउंट इफ में बोला बी टू को काउंट करो और ए इक्वल टू वन होना चाहिए। अब इक्वल टू वन लगाने का पर्पस ये है कि एक बार ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एंट्री होने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग अपने आप को रीचेक करता है, तो पता होना चाहिए कंडीशन फॉर्मेटिंग कितना है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक जाइए, पेस्ट स्पेशल्स, और पेस्ट स्पेशल में आप यहां पे यहां वैलिडेशन को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो आपका सिर्फ वैलिडेशन कॉपी पेस्ट होगा, फिर वन, और मैंने यहां ही कहीं पे वन डाला तो वन एक्सेप्ट नहीं करेगा, टू ले लेगा, थ्री लेगा, अगेन टू, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अब चलते हैं अगली कैटेगरी में। अगली कैटेगरी हमारा चार्टिंग्स का आता है। आप लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे अपने रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, लेकिन मैं कुछ चार्ट्स के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा, कुछ चार्ट्स के इसी तरह कुछ एग्जांपल दूंगा, और ये हमारी क्लास के लास्ट टॉपिक है, तो उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। पहले जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सबसे पहले जानिए चार्ट का इस्तेमाल करते क्यों, तो मेरे हिसाब से चार्ट का इस्तेमाल होता है कंपेयरिंग के लिए, कि दो लेजेंड के बीच में आप इजीली कंपेयर कर सके। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं कि आखिर क्यों, तो चलिए मैं वही आपको करके दिखा रहा हूं। ये आपके पास छोटा सा डेटा है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो आप बता देंगे कि 85 सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट है, और फैब जो है 12 सबसे लोवेस्ट है। लेकिन इसी डेटा को अगर मैं करोड़ों में कर दिया तो अब अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। लेकिन इसी चीज को अगर कोई लगा भी सकता है तो उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस पे करें
चार्ट पे करें तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मार्च में सबसे हाईएस्ट सेल हुआ है। तो इसके लिए मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चार्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है। और चार्ट की जो यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग्स होते हैं, अपने आवाज हिसाब से यहाँ से फॉर्मेटिंग्स ले सकते हैं। लेआउट्स में हमारे पास ये लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स ले सकते हैं इजीली। लेकिन ये चीजें तो नॉर्मल है, ये तो बेसिक में आते हैं, तो ये चीज मैं आपको नहीं बताने वाला, कुछ ट्रिक्स में बताने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें आप यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं तो खुद से रिसर्च करके यूज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं बताना चाहता हूं उसके लिए रिसर्च में थोड़ा ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला छोटा सा चीज है, बताता हूं आपको कि मान लीजिए मैंने यहां पे टारगेट ऐड कर दिया और यहां पे मैं टारगेट डाल देता हूं। अब मुझे इसी चीज को इसमें ऐड करना है, तो मुझे दोबारा से चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से इसको ड्रैग कर दूंगा। यह देखिए हमारा चार्ट इंक्लूड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो टारगेट है वो लाइन चार्ट में आ जाए। मैं कॉलम भी रखना चाहता हूं और लाइन भी रखना चाहता हूं। तो लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक कीजिए और चेंज सीरीज चार्ट टाइप कर दीजिए। और यहां पे टारगेट जो है उसको कर्स यहां पे देखिए इसको ले लीजिए। आपने शायद देख नहीं पाया, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। राइट क्लिक चेंज चार्ट टाइप, तो यहां ऊपर में कॉम्बो आता है, कॉम्बो के कैटेगरी में जाएंगे तो ये आपके पास अलग अलग है। तीन चीजें हैं, तीन में जो चाहिए वो ले सकते हैं, ये आ जाएगा। लेकिन छोटी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे 40% है, ये 50% है, 30% है, 47%, 80% और यहां 90%। अब इस केस में मेरा लाइन चार्ट दिख ही रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये आपका है तो जीरो और 40%, बट ये नॉर्मल एक्सेल में, एक्सेल इसको जीरो कंसीडर कर रहा है। तो इसके केस में क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, यहां पे आता है चेंज सी चार्ट टाइप, ये दिख रहा है ना आपको, कर्सर कॉलो लाइन एंड सेकेंडरी एक्सिस। तो ये क्या करें, लाइन के लिए एक अलग से सेकेंडरी बना दे। तो जब आपके पास एक ही चार्ट में दो तरह के डेटा को शो करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल चार्ट से ही है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे बात करते हैं कि सर मेरे पास डेटा ज्यादा है और चार्ट में दिखाना है, कैसे दिखाएं और दिखाने के बाद कैसे वो कंपेयर हो आसानी से। जैसे कि यहां एग्जाम्पल है आपके पास, मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, IDBI, SBI, PNB, NHDFC, चार ही रखता हूं। और यहां पे देखिए अब यहां पे इसको सेलेक्ट करता हूं, सॉरी सर, अब इसको सेलेक्ट करके मैं चार्ट पे जाता हूं।
अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें कंपेयर करने के लिए इससे कलर से देखना पड़ता है कि आईडीबीआई मतलब कि ब्लू कलर है तो यहां ब्लू कलर होगा, एसबीआई या पिंक है तो पिंक होगा, तो कलर के साथ मैचिंग करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं ना एकावेक नजर जाए और पता चल जाए, तो उसके लिए हमारे पास है कि मैं यहां पे ऐड डेटा लेवल करूंगा। डेटा लेवल यहां पे मैंने क्लिक किया तो नंबर्स आ गए। इन नंबर को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा फॉर्मेट डेटा लेवल, और यहां पे मैं वैल्यू में कैटेगरी नेम है, नहीं कैटेगरी नेम नहीं, सीरीज नेम हो गया। फिर इसकी अलाइनमेंट में आता हूं, इसको मैं वर्टिकल करता हूं, तो इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, फिर भी ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो चाहिए मुझे। तो मैंने कई बार इसको किया है, मैं बता रहा हूं कि मैंने इसको एक बार अपने ऑफिस में कैसे किया था, उसके लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया था। जैसे आप एक क्लाइंट है, ब्रांड है, क्लाइंट्स है, मान लो क्लाइंट वाइज कर रहे हैं, तो क्लाइंट का अगर आपके कंपनी क्लाइंट है तो उनका कोई लोगो तो जरूर होगा, जैसे बैंक का लोगो होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया IDBI बैंक, तो ये उन रिपोर्ट पे करें जो फिक्स हो। हर दिन करेंगे तो थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा इस पे टाइम कंज्यूम होता है। तो मैंने IDBI बैंक का गूगल से उसका लोगो, एक अच्छा सा लोगो जो है ले लिया, लंबा सा और सीधा सा। उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज, और कभी एक कॉपी इमेज करके मैंने इसको यहां पेस्ट किया। कभी कभी पेस्ट नहीं होता है तो आप इसको पहले पेंट पे पेस्ट करें, देन पेस्ट करें। देखिए इसका साइज काफी बड़ा है, तो कभी भी अगर आप साइज को कम करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाए, देखो 8 सेंटीमीटर बाई 42 सेंटीमीटर, तो हाइट तो ठीक है, विड्थ को कम करता हूं मैं विड्थ को कर देता हूं 5 सेंटीमीटर, तो छोटा हो गया। अब मैं इसको रोटेट करता हूं 90 डिग्री पे, क्योंकि मेरा ये लंबा है ना तो लंबा होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा और IDBI बैंक का जो लेजेंड है उस पर क्लिक करके मैं जाऊंगा फॉर्मेट डेटा सीरीज और यहां फिल पे आऊंगा। फिल पे यहां देखिए पिक्चर एंड टेक्सचर्स होते हैं, उसको क्लिक किया और फिर यह क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दिया। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि IDBI बैंक की ये है, समझ में आया आप लोग को सर? तो हमें इजीली पता चल गया कि दिस इज द IDBI बैंक, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि IDBI बैंक का है, हमें इजीली पता चल गया। अब इसमें दिक्कत आती है कि अगर मान लीजिए कि ये आपके सेल्स ऑफिसर वाइज रिपोर्ट है, तो अब अपने सेल्स ऑफिसर के मान लीजिए कि आपके टीम वाइज रिपोर्ट है, तो आप टीम मेंबर की फोटो तो ही लेके डाल दोगे, ये यश त्रिपाठी जी की है तो ये आतिश पांडे जी की है, सबकी फोटो तो ही डालोगे, फोटो डालना तो गलत हो जाएगा ना। तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अगर नाम के अकॉर्डिंग है जिसे ईमेल नहीं डाल सकते हम, तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहां वर्ड आर्ट मिलेगा आपको। वर्ड आर्ट में कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लीजिए, और इसमें जैसे मैं मान लो कि SBI है, SBI,
बैंक, या नहीं भी बैंक में लगे, एसबीआई भी सही है, बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं इसमें इसका भी फिल कलर फिल कर देता हूं एक अच्छा सा। और इसकी कलर जो है व्हाइट कर देता हूं, ये सही दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों बताता हूं, कॉपी करके जैसे पिक्चर होगा, पिक्चर होने पे देखिएगा साइड से बहुत सारे मूव को छोड़ देता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। फिर इसको रोटेट कीजिए 90 डिग्री पे, ताकि ये इस तरह से हो जाए। फिर इसको कॉपी कर देख लीजिएगा कि सही है ना। कभी कभी क्या होता है कि नहीं होता है, मतलब कि ब्लैंक में बीच में ब्लैंक होते हैं, तो उसको कॉट करके ब्लैंक को हटा दिया कीजिए। फिर मैं स्टेट बैंक वाले लेजेंड को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, और इसमें पिक्चर टेक्सचर्स एंड क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी अच्छा से पता चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है यूज करने का। चलिए कुछ और ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको एमएस, जिस तरह का चार्ट एमएस प्रोजेक्ट में ही बनता है। जैसे मैंने बताया, मैंने किया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पीआर, प्रोजेक्ट नेम, तो P1, P2, P3, या प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट वन, थ्री, जो भी प्रोजेक्ट नेम है वो दे दीजिए, दस्तक है तो दस्तक कर देता हूँ मैं। और ये होता है स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए हम डेट डाल देते हैं। और डेज, कितने डेज ये चला, तो इसके लिए मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, एक से लेके, एक से नहीं, 5 से लेके 15 तक, 9 दिन, और इसको प्लस कर देता हूं इसमें, अगली प्रोजेक्ट इसके बाद स्टार्ट हुआ, या जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूं। इसको कॉपी एंड वैल्यू पेस्ट। अब मुझे इसको चार्ट पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? जनरली लोग तो इसमें इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ये रहा नंबर ऑफ डेज, इतना डेज चला, सबसे ज्यादा दिन डेज कौन चला। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग चीज में भी दिखा सकता हूं। कैसे? सबसे पहले इसको मैं करूंगा नंबर में, इसके इसकी फॉर्म डेट की फॉर्मेटिंग हटा दूंगा। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और हम बार चार्ट लेंगे, और कौन सा बार चार्ट, ये वाला बार चार्ट लेंगे। अब ये चार्ट ले लिया, तो इसमें और आगे चीज तो हम बाद में करने वाले हैं, इसमें दो तीन चीज पहले करेंगे। सबसे पहला कि जो ये देखिए नंबर आ रहा है, मैं इसको डेट में करना है, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस पे जाते हैं, और इसकी यहां पे नंबर फॉर्मेटिंग होता है, ये नंबर फॉर्मेट होता है, 1 मिनट, नंबर यहां नीचे आया। अब नंबर फॉर्मेट में जनरल कैटेगरी का जनरल है, लेकिन मुझे डेट चाहिए, तो मैं DD/MM करके ऐड कर देता हूं, डेट हो गया। लेकिन क्या है कि ये 1/11 से स्टार्ट हुआ, 1/11 से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1/11 से स्टार्ट हुआ ऐसा ना हो, क्योंकि डेटा के अंदर मैं जाऊं तो ये डेट जो है हमारा, ये कौन सा है, 1 जनवरी, 1 जनवरी था, ये हमारा मार्च था। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर्मेट एक्सिस में जाता हूं, और यहां डेट ऑप्शन में ये जो 43/40 है, 43/40 है मिनिमम, मैक्सिमम अपने हिसाब से ले लेता है, तो मैं बोलता हूं नहीं ऐसा ना हो, एग्जैक्ट चले 140।
से हम चले मिनिमम फिक्स कर देता हूं, और ये क्या है 43,193, 43,192 कर देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, 200 इस तरह से नजदीक ही ले लीजिए। तो यहां पे 31,12 से इस तरह से आपको दिखेगा गैप। तो मैं 10 दिन का गैप है यहां पे, मैं यहां पे कर देता हूं, नहीं भाई 5 दिन का गैप होना चाहिए, तो सीख रहेगा, 5 दिन का गैप आ गया। और ये जो हमने दे रखा है इसकी अलाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज करता हूं, ताकि सही से दिखे। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा चीज आप देखिए, डेटा हमारा 1 से लेके 10 तक है, बट ये 10 से लेके 1 तक प्रोजेक्ट 1 से उल्टा है ना, यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, ये जो देख रहे हैं ना, ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। मैं तो नहीं, रिवर्स ना हो, उल्टा हो जाए, P1 से स्टार्ट हो, ताकि तो मैचिंग करने में आसानी होगी। तो मैंने क्या किया कि इसको सेलेक्ट करके गया, इसमें यहां पे नीचे आएंगे, ये रहा कैटेगरी इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ऐसा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट लेवल करके इसमें आता है, डिस्प्ले यूनिट नन, नहीं, ये पहले कर रहा थी, हाँ, लेबल लेबल पोजीशन नेक्स्ट टू एक्सिस हाई कर दीजिए, नीचे आ जाएगा, ये सही हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाता हूं, इसकी जो गैप है इसको थोड़ा कम करता हूं, ताकि इसकी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। 0 कर देंगे तो पूरा सट जाएगा। और उसके बाद इसका जो फिल है इसको नो फिल कर देता हूं, और इसकी जो लाइन है बॉर्डर की वो कर देता हूं नो लाइन। उसके बाद देखिए ये वाटरफॉल चार्ट की तरह बन गया, और उसके बाद इसको डेट बना दीजिए, डेटा को डेट में चेंज कर दीजिए, और बेटर है। और मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं, ऐड डेटा लेवल, लेवल डे होगा। अब ये जो 13 है, मैं चाहता हूं इसमें डेज आना चाहिए, 10 डेज, 13 डेज, डेज लगना चाहिए, तो इसको लेबल को सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक, और फॉर्मेट डेटा लेवल, और इसके नीचे लेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिएगा, हटाइएगा तो नंबर ऑप्शंस होते हैं, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने किया था ना वही कर देंगे। तो यहां पे देंगे हैश और इन्वर्टेड कॉमा में डेज ऐड कर देते, ठीक है। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? बाकी जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेटिंग कर लीजिए अपना। यस जी, अतीश पांडे जी, कोई डाउट इसमें? चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा चार्ट से ही है, लेकिन ये तो हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑटोमेशन की और फॉर्मूले की। जैसे कि मेरे पास एक मंथ है, और ये हमारे पास सेल्स है,
और यहां पे दे दिया। कॉपी और इस पे हम पेस्ट स्पेशल और हम इसको वैल्यू कर देते हैं। अब मैंने इस पे चार्ट लगाया, ये मेरा मान लीजिए पिछले साल का 2017 का रिपोर्ट था और इस पे हमने अपना नॉर्मल जो चार्ट होता है उसी चार्ट को यहां पे लगाया और चार्ट हमारा सही तरीके से दिख रहा है। थोड़ा तो सा बड़ा करता हूं उसको। बट हुआ क्या कि मेरा रिपोर्ट जो 2000 सेल्स 2016 था 17 था और वो 2018 हो गया। अब 2018 में ये हमारा जनवरी का महीना है तो ए सिर्फ दिख रहा है। अब अगले महीने जब मैं इसको फैब डालूंगा तो फैब दिखेगा कि फैब, तो फैब का दो लाइन दिखेगा। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये इतना गैप है, मैं चाहता हूं कि नहीं कि मेरा चार्ट का रिपोर्ट इस तरह से दिखे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, फिर मैं मार्च का डेटा करता हूं, मार्च रखता हूं, तो फिर मुझे मार्च के लिए वापस चार्ट के जो चार्ट का जो हमारा डे अथी है एड्रेस है उसको इंक्रीज करना पड़ता है, वापस हमको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि नहीं या ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो एक चीज देखिए कि हर चार्ट का एक सीरीज का फॉर्मूला होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये टाइटल है B1, ये हमारा टाइटल है ये सेल्स। उसके बाद ये जो सीरीज देख रहे हैं इससे हमारा सीरीज बना हुआ है जैन फैब जो भी है इसका जो एक्सिस है एक्सिस बना हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा लेवल है जिसके कारण से हमारा ये जो बिल्डिंग्स है कॉलम्स है ऊपर नीचे होता है। तो इसमें हम कुछ छेड़खानी कर सकते हैं कैसे, चलिए तो हम पढ़ेंगे ऑफसेट फॉर्मूला। तो कल की क्लास में मैंने आपको ऑफसेट बताया कि वो डेटा को लुकअप करता है कि यहां पे गया एंड कॉमा, हमने बोला कि एक रो एंड एक कॉलम, तो इसने 24 उठा के इसका रिजल्ट दे दिया। तो बेसिकली ये इसका रिजल्ट ये नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको सम के अंदर में डालता हूं तो आप देखेंगे फॉर्मूला एवलेट करके तो ये B2 रिजल्ट B2 एड्रेस दे रहा है। अब इसी B2 के अंदर में अगर मैं देखेंगे ऑफसेट में क्या होता है कि यहां पे हाइट और विड्थ होता है। तो हाइट में मैं 3 दे दिया और विड्थ में 1 दे दिया। हमने 3 क्यों दिया, क्योंकि यहां 3 रो है इसलिए 3 दिया। अब यहां देखिए कि B2 से B4 हो गया, इसने एड्रेस बना लिया। तो उसी तरह से मैं 3 को ऑटोमेट कर दूं काउंट फॉर्मूले से। काउंट ए का फॉर्मूला या काउंट का फॉर्मूला ये बताता है कि पूरे कॉलम में कितना डिजिट टाइप किया गया है। तो इसमें सेल्स हेडिंग भी आ गया तो इसलिए हमने -1 कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां जाऊं एबलेट फॉर्मूले में तो काउंट ए ने रिजल्ट दिया 4 क्योंकि हेडिंग को भी काउंट किया -1 रिजल्ट आया 3 और ऑफसेट ने B2 से B4 का रिजल्ट दे दिया। और जैसे मैं यहां पे कोई एंट्री कर दूं तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो इसका रिजल्ट देखेंगे कि एक काउंट 5-1 और रिजल्ट ऑफसेट ने B2 से B5 हो गया, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ रहा है। तो इसका फायदा हम उठाएंगे, यहां कॉपी करता हूं
नेम मैनेजर में, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसमें नहीं डाल सकता, जैसे कि हमने पिक्चर लुकअप में नहीं डाल पाया, इसे यहां भी हम नहीं डाल पाएंगे। तो उसके लिए हम डिफाइंड नेम में जाएंगे और हम बोलेंगे SL, मतलब कि सेल्स, SAL सेल्स, और यहां पे वो फॉर्मूला को पेश कर देते हैं। ध्यान रखेंगे जब फॉर्मूला पेश करें तो फ्रीज करना ना भूलें, इसमें फ्रीज जरूरी है, अपने कॉलम्स को फ्रीज कर लें एंड ओके। और उसी तरीके से यहां मैं नेम मैनेजर में आता हूं, मैं पहले के सारे को डिलीट कर देता हूं। और इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं, बी कॉलम के लिए था, ऐसे मुझे ए कॉलम के लिए भी चाहिए, तो ये हो जाएगा मंथ, MON, और पेस्ट कर दिया ये मंथ के लिए। तो मंथ में हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो रो तो रहेगा कॉलम को जीरो कर देते हैं, मतलब कि यहां से इसी कॉलम में नीचे चले, अगला कॉलम ना जाए, देन क्लोज, यहां पे क्लोज कर। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और जहां ए हमारा सीरीज के लिए है, इसको डिलीट करके मैं कर देता हूं MON, और ये हो जाएगा SAL, इसका डिफरेंस एंटर मार दिया। अब जैसे यहां पे मंथ दूंगा, मंथ अप्रैल, मई, तो अपने आप देखिए ऐड होता चला जाएगा, और डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हैं। अब अगली एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं, वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि चार्ट के ऊपर बटन्स लगाने की, चार्ट के ऊपर बटन्स का इस्तेमाल करने का। जैसे यहां पे मैं चार्ट लगाना चाहता हूं, तो अभी जब मैं चार्ट इंसर्ट किया तो काफी सारा डेटा होने के कारण चार्ट तो 5 ही है, हो सकता है 50 हो, तो चार्ट सही तरीके से दिखेगा नहीं। तो मुझे बैंक वाइज कंपेयरिंग नहीं करना है, इन द बैंक, एक बैंक के अंदर मुझे उसके मंथ में कंपेयरिंग करना है। तो हमने क्या किया कि हमने, हमें जो चार्ट चाहिए वो वन एक एक बैंक का चाहिए, हमें एक एक बैंक का इस तरह से चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि चार पांच बैंक तो आप लगा लोगे, लेकिन 40-50 बैंक हुआ, 40-50 चार्ट लगाना मुश्किल है, और 40-50 चार्ट को मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला। हम यहां ऊपर गए, हेडिंग को मैं कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे मैनुअल वन में लिख दिया, मैनुअल फिलहाल लिख देता हूं। फिर मैं ऑफसेट फॉर्मूला लगाया और इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा, मैंने इस वन को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, कॉलन्स जीरो दे देता हूं। तो रिजल्ट देखिए, IDBI बैंक आ गया। अब मुझे आगे ड्रैग करना है, तो जो वन है इसकी जो, इसका जो रेफरेंस है उसको मुझे फ्रीज करना पड़ेगा, फिर मैं इसको आगे ड्रैग कर दूंगा। मतलब कि मैं अगर वन किया तो पहली बैंक का डेटा आ गया, टू किया तो दूसरे बैंक का आ गया, थ्री किया तो तीसरे बैंक का आ गया। तो इसके बाद मैं इस डेटा को सेलेक्ट किया और मैं यहां आ गया। अब यहां चार्ट पे देखिए कि अगर मैं वन करता हूं तो वन, टू करता हूं तो टू, बट प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे फिर देखना पड़ेगा क्या सीक्वेंस नंबर है। मैं डेटा वैल्यूएशन से ड्रॉप डाउन यहां भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहां क्यों ड्रॉप डाउन लगाऊं, मैं डायरेक्ट यहीं पे ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा डेवलपर टैब में। अब डेवलपर टैब जो है आपका बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं होता है, तो डेवलपर टैब को एक्टिव करने के लिए फाइल
फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, और फाइल मेनू के अंदर आप आएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन के अंदर में अगर आपके पास 2007 का ऑफिस है तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, लेकिन 2010, 13, 16 है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज रिबन में, और फिर यहां डेवलपर टैब अनचेक होता है, इसको क्लिक करके चेक कर लीजिए, ये आपके पास यहां विजिबल हो जाएगा। डेवलपर टैब में आपके पास यहां इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट का ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो यहां देखिए तीन चीज आपके पास आ रहा है, पहला फॉर्म कंट्रोल और दूसरा एक्टिव एक्स कंट्रोल। बट फॉर्म कंट्रोल एक्सेल कंट्रोल के ऊपर माइक्रो की कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन फॉर्म कंट्रोल जो है उस पर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से कॉम्बो बॉक्स लेता हूं और यहां पे हम डिजाइन कर देते हैं, फिर राइट यहां पे डिजाइन इनपुट रेंज में आते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल लिंक पे दे देते हैं लिंक और 3D सेटिंग। 3D सेटिंग्स करते ताकि 3D इफेक्ट हो, और फिर मैं आईडीबीआई बैंक पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये कर क्या रहा है कि इसमें कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, कि मैं राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, अब यहां पे इनपुट रेंज है, इनपुट रेंज हुआ ताकि ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ सके, सेल लिंक मतलब कि जो लिस्ट सेलेक्ट करे उसका सीक्वेंस नंबर यहां पे डाले, इसलिए तो यहां से आपको देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? इसी में आगे चलते हैं कि मैंने यहां पे जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स लेके मैं यहां लगा दिया, और मैं राइट क्लिक किया चेकबॉक्स पे फॉर्मेट कंट्रोल, और इसमें 3D सेटिंग किया और हमने यहां पे रख दिया। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब क्लिक करूंगा तो यहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, और मेरे डेटा मान लीजिए एक टारगेट का हमने दे दिया, लेकिन टारगेट मैं चाहता हूं कि टारगेट की कंपेयरिंग जब यूजर चाहे तभी देख पाए, अदरवाइज ना देखे, तो यहां पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे कि इक्वल इफ, इफ में हमने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा, हमने इसको नहीं माफ कीजिएगा, हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ये ट्रू है तो यहां पे टारगेट को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक शो करो। तो फिर A6 जो है हमारा उसको हम यहां से फ्रीज करते हैं, F4 से नहीं, ये B3, बी से B10 है जो ट्रू है उसको करना है, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं आगे की तरफ कंट्रोल आर, ठीक है, और फिर हम चार्ट में इसको यहां से लेके ट्रैक कर लेते हैं। अब जैसे क्लिक किया तो नहीं दिखेगा, उसी तरह से इसमें एक हमारे पास स्पाइन बटन होता है नेक्स्ट एंड प्रीवियस के लिए, इसको क्लिक किया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, और यहां पे मिनिमम मैं बोला 1, मैक्सिमम मतलब कितना डेटा है हमारे पास, मेरे पास 5 है तो 5, और चेंज कहाँ होगा, मैंने बोला चेंज यहीं पे होगा, सेलेक्ट कर लिया एंड ओके, इस पर क्लिक करूंगा और देखिए नेक्स्ट
यहाँ पर नेक्स्ट 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 फिनिश बैक बैक नेक्स्ट नेक्स्ट बैक बैक ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इस्तेमाल चार्ट पे करें या डेटा पे करें या रिपोर्ट पे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए कुछ चीजें और बता देते हैं जो कि काफी ज्यादा यूज होता है। अब मैं चाहता हूं, अब ये थोड़ा सा वीवीएस से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा लेकिन बता देता हूं। जैसे डेट, तो जनरली आप यहां पे मैनुअल डेट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से वो डेट को ले, डेट को ले, तो मैंने बोल दिया यहां पे यहां पे देखिए मोर कंट्रोल्स पे क्लिक कीजिए, नीचे एक्टिव एक्स के अंदर जो मोर कंट्रोल है उस पे करना है आपको। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसमें देखिए कैलेंडर कंट्रोल लग गया, ओके कीजिए और कैलेंडर को यहां पे डिफाइन कर लीजिए। तो बड़ा कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई डेट पे मैं क्लिक करूं यहां से, अब यहां इसके लिए डिजाइन मोड हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे डेट को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो डेट सेलेक्ट करूंगा यहां पे आना चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूला और बाकी चीज पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फिर इसको डिजाइन मोड एक्टिवेट कीजिए, डेवलपर में ही इस पे डबल क्लिक कीजिए। आपको कहां पे चाहिए, मुझे चाहिए B2 पे, बी कॉलन एंड टू रो। तो आपको बस एक लाइन लिखना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां लिखना है कि रेंज रेंज B2 डॉट वैल्यू, बस छोटा सा लाइन लिखना है, इक्वल टू अब इक्वल टू में कौन सा सीट पे, हम सीट 11, और यहां सीट 11 में सीट 1 है, तो सीट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि ताकि मुझे कैलेंडर कैलेंडर 1 मिल जाए, तो मैं डायरेक्ट कैलेंडर 1 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए कैलेंडर 1 डॉट वैल्यू। तो सीट 1 कर दीजिए या फिर सीट 1 हटा दीजिए, अगर दिक्कत किया तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ कैलेंडर 1 डॉट वैल्यू कर दीजिए, बस सिंपल सा लिखना है आपको, इतना तो आपके पास याद रहेगा और समझ भी सकते हैं, क्योंकि इसका नाम कैलेंडर 1 है और जो क्लिक होगा वो वैल्यू है, और जिस सेल की वैल्यू को आप कैलेंडर 1 की वैल्यू करना चाहते हैं वो डाल दीजिए, क्लोज कीजिए। हाँ, ये तभी परफॉर्म करेगा जब डिजाइन मोड डीएक्टिवेट होगा। डिजाइन मोड मतलब कि आप कोडिंग करने वाले हैं, और डिजाइन मोड मतलब इसको डिजाइन मोड आपने हटा दिया मतलब यूज करने वाले हैं। देखिए हो गया, यहां से मंथ को चेंज कीजिए तो एक कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं आप। समझ गए? तो अब इसमें इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग अगर सीख लेते हैं तो आप जो काम घंटों में करते हैं उस काम को आप विद इन सेकेंड में कर लेंगे। तो वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग होता क्या है, वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग एक्सेल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जरिए हम एक्सेल में अपने लिए टूल्स को डेवलप करते हैं, टूल्स को डेवलप करते हैं, जिसे मैक्रोज कहते हैं। इसमें बहुत सारे मैक्रोज हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं, उस मैक्रोज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो लेकिन वो सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक्सेल की एक्सेल पे अच्छा नॉलेज हो तो उसको आप सीख सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से 2-3 दिन में आप नहीं सीख सकते हैं। अतीत से बात हुई थी तो मैंने बोला था और यस कि वीवीए प्रोग्रामिंग अगर आप सिखाते हैं तो मुझे लगता है कोई इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वीवीए के लिए प्रैक्टिस
एंड टाइम दोनों पड़ता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। जैसे आप 2 दिन में अंग्रेजी नहीं सीख सकते, ऐसे 2 दिन में आप वीवीए नहीं सीख सकते। अगर आपको चाइनीज सीखने के लिए बोला जाए, चाइनीज आपको नहीं आता, चाइनीज सीखने के लिए बोला जाए और 3 दिन का टाइम दिया जाए, तो चाइनीज नहीं सीख पाएंगे आप। भले ही कुछ चाइनीज के वर्ड याद कर ले, कुछ चीजें याद कर ले, बट चाइनीज नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक देता हूं आप लोगों को। आप लोग अपने क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है आपके सॉल्व करेंगे। और मैं आपको 1 हफ्ते का प्रैक्टिस टाइम दूंगा। अगले हफ्ते मंडे या ट्यूजडे में एक टेस्ट फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। फिर मैं आपके जो आपके अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में पता कर पाऊंगा कि आप लोगों ने हमारी इस क्लास को कितना कंज्यूम किया है। आज आपकी टेस्ट इसलिए नहीं कि आप तो कभी हम भी आप ही कितना लर्न करते थे, इसलिए मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं। ठीक है, तो ब्रेक ले 10 मिनट का। यस जी, हाँ जी, एक थोड़े क्वेश्चंस देख ले। हाँ हाँ, एक बार क्वेश्चन सारे नोट कर ले, इकट्ठा कर ले, 10 मिनट स्टार्ट कर। तो लेटेस्ट को माइनस करेंगे ओल्डेस्ट से, तो उसका डिफरेंस आता है, डिफरेंस आ रहा है इन द डे, बट मुझे डिफरेंस चाहिए इन द ईयर या इन द मंथ या इन द डे या तीनों, या एग्जैक्ट चाहिए कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होता है। तो इस पर्पस से हम इस्तेमाल करते हैं डेटेड इफ का फॉर्मूला। डेटेड इफ में हमने यहां पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है स्टार्टिंग ऑफ डेट और एंड, डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन का डिफरेंस चाहिए था। एक ही फॉर्मूला तीनों पे वर्क करता है, तो यहां पे इनिशियल देने पड़ते हैं कि क्या निकाला। तो इनिशियल में 3 चीज होती है, वाई एम डी, वाई ईयर के लिए, एम महीना के लिए और डे दिन के लिए। तो वाई किया तो वाई आएगा, वाई की जगह पे एम करूंगा तो मंथ आएगा और डी करूंगा तो डे आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितने साल कितने महीने। तो अगर मैंने वाई किया तो यहां पे आ गया 30 साल, तो मुझे ये भी चाहिए कि 30 साल के बाद वो कितना महीना है, महीना है कि किसी की एज 30 साल है, तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट 30 साल कितने महीने। तो उसके लिए ही हम डेटेड इफ लगाते हैं, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। तो यहां पे इनिशियल अगर सिर्फ एम डालेंगे तो एज इन मंथ आता है कि 200-300 महीना, लेकिन मुझे मंथ वो चाहिए जो 30 साल के बाद है, इसलिए यहां पे वाई एम करते कि वाई को इग्नोर करके जो मंथ बचता है उसको दे, क्योंकि वाई हम यहां निकाल चुके हैं, तो एज आएगा 6 महीने। ऐसे डे में वाई एम डी नहीं करेंगे क्योंकि इनिशियल 2 ही होता है, इसलिए मंथ के बाद जो दिन बचता है सो यहां इस्तेमाल करेंगे डेटेड इफ में स्टार्ट डेट एंड कॉमा एंड डेट, और यहां पे हम कर देंगे एम डी। एक फॉर्मूला 3 चीज में काम होता है, बस इनिशियल को चेंज करना है, वाई एम डी, वाई एम या एम डी। क्लियर है डेटेड इफ? डेटेड इफ क्लियर हुआ आपको? चलिए, अगला टॉपिक इंडेक्स और मैच का था। बेसिकली इंडेक्स और मैच लगाने का पर्पस था
कि अगर आपके पास कोई देता है तो वी लुकअप से उसका आप निकाल लेते हो इजीली, लेकिन होता क्या है कि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट। अब मुझे यहां पे क्या है कि मेरा जो ए है, जो कोड है जिसके बिहाफ पे मेरा लुकअप कर रहा है डेटा, वो सबसे लास्ट में या बीच में है। मतलब कि अगर यहां होता तो ये इससे आगे की तरफ चलता, इससे पीछे की तरफ नहीं चलता, तो मैं वी लुकअप लगा नहीं सकता। तो हमारे पास एक इंडेक्स नाम का फॉर्मूला होता है। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी डेटा रेंज को ले लीजिए, उसमें आप दीजिए रो की काउंट एंड कॉलम की काउंट कि मुझे इसमें से चौथा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम चाहिए। तो चौथा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम, तो यहां से आएगा 1 2 3 4 और चौथा करके रिजल्ट आपका 34,000 दे देगा। तो इंडेक्स का काम ये नहीं है, डेटा को लुकअप करना काम नहीं है। इंडेक्स का काम यह है कि जो डेटा रेंज आपने दिया है उसमें से आप मैनुअली काउंट कर लो कि कितना नंबर रो और कितना नंबर कॉलम लेना है, उसके पे वो काउंट करते हुए जाएगा और जो सेल मिलेगा उस सेल की वैल्यू को शो कर देगा। लेकिन जो हमारे पास मैच का फॉर्मूला है, वो मैच का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। एक मिनट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। तो मुझे पता करना है कि एम्प्लॉय कोड 6 जो है वो यहां यहां से काउंटिंग में कितने नंबर रो के बाद है। तो मैच इस चीज को निकालता है और ऑटोमेटिक करता है। इसको कॉमा सेलेक्ट किए और हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 0। तो ये क्या करता है कि अगर यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 तो 6 जो है वो 7 नंबर रो पे सीक्वेंस के रो पे पड़ता है। और इंडेक्स क्या करता है कि जितना नंबर सीक्वेंस आप देते हो उसका लुकअप निकालता है, उसका डेटा शो करता है। तो यहां पे अगर मैं 7 करूंगा तो एम्प्लॉय नंबर 6 एम्प्लॉय कोड 6 का सैलरी दे देगा। लेकिन मैं ऑटोमेशन करने के लिए ये जो मैच का फॉर्मूला मैंने बाहर कर रखा है, इसी मैच के फॉर्मूले को इंडेक्स के फॉर्मूले जो इंडेक्स में जो हम नंबर देते हैं 7 उसके जगह पर डाल देते हैं, ताकि इंडेक्स में जो नंबर चाहिए वो मैच प्रोवाइड कर देगा। और मैच जैसे यहां चेंज करेगा अपना रिजल्ट चेंज करेगा और इंडेक्स भी अपना रिजल्ट चेंज करके आपको एक वी लुकअप की जैसा फीचर देगा, जिसकी कोई कमजोरी नहीं है कि वो लेफ्ट टू राइट नहीं चलेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा। तो मैच और इंडेक्स की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दूर हुई है। दोबारा बताऊं, ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक है मल्टीपल। मैंने वो नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों को समझ में ज्यादा नहीं आता, इसलिए वो चीज नहीं बताई थी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। उसको हम बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग, वी लुकअप लिस्टिंग बोलते हैं उसको। वी लुकअप लिस्टिंग मैंने उसका नाम दिया हुआ है, एक्चुअल में वी लुकअप लिस्टिंग है नहीं, ठीक है। वो मेथड मैंने इजाद किए हुए हैं, वो मेरी इजाद है, मैंने उसको डेवलप किया हुआ है। इंटरनेट पे आपको मिलता है तो देखिएगा, वो 2006 2007 में इसको डेवलप किया था, 2006 या 2007 में, उससे पहले की नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी जगहों पे डाला था इस चीज को, तो ये मेरा आविष्कार है। वी लुकअप लिस्टिंग मतलब कि आपके पास कोई यूनिक कोड नहीं है, मान लीजिए कोई यूनिक कोड आपके पास नहीं है। मैं डेटा को छोटा करता हूं ताकि यही दिखा सकूं। अब हाँ, डेट बता देता हूं। और मैं मंथ यहां डालता हूं,
ये ऊपर देता हूँ, मुझे डेटा जैसे फिल्टर हम लोग करते हैं ना वैसे चाहिए, कि मैंने यहाँ पे बिल लगाया, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर। अब इसमें क्या है कि अगर मैं मंथ लिया, यहाँ पे मंथ लेता हूँ मैं, मंथ लिया, मंथ में हमारा जैन अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये जैन का पूरा डेटा आना चाहिए, जैसे कि हम फिल्टर लगाते हैं तो आता है। तो यहाँ पे हम फिल्टर, जैसे मैंने जैन को सिलेक्ट करके किया तो कितने रिकॉर्ड है, 9 है, तो 9 रिकॉर्ड यहाँ सीक्वेंस में आना चाहिए। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना, वी लुकअप लुकअप करेगा, इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ता है। सबसे स्टार्टिंग में, जहां आपका डेटा का स्टार्ट है, उस स्टार्टिंग में जाइए और प्लस कीजिए, एक रो को इंसर्ट कीजिए, और मैं यहां पे यूनिक कोड डिफाइन करता हूं। याद है आपको काउंट इफ का फॉर्मूला बताया था, तो काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि इस एफ कॉलन में, अपने ध्यान से आप लोग देखिएगा प्लीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये बताएगा कि काउंट इफ एफ कॉलन में अप्रैल कितना बार है। लेकिन जैसे कि मैंने इफ फॉर्मूला इफ का जो फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें मैंने सीरियल नंबर के लिए मैक्स में जो जो मैंने कंसेप्ट रखा था कि मैं सेम रो रखूं और पहले को फ्रीज कर दूं, सेम मेथड यहां करूंगा तो एक सीरियल नंबर दे देगा कि पहला अप्रैल, दूसरा अप्रैल, तीसरा अप्रैल। तो वी लुकअप में मैं यहां पे लिया F2 से F2 एंड F2, तो काउंट इफ में, और पहले F2 को हम फ्रीज कर देते हैं F4 से, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहां देखिए, अगर मैं आपको फ्रीज करके बताऊं यहां से, तो अगर मान लीजिए मैं अप्रैल को सिलेक्ट किया, तो देखिएगा ये पहला अप्रैल, दूसरा अप्रैल, तीसरा अप्रैल, चौथा अप्रैल, पांचवा अप्रैल, और ये 10वां अप्रैल आ जाता है। तो 10 तक का एक काउंटिंग आ जाता है। अब मैंने इसके साथ कोलकाता नेट किया और डैश लगाया और अप्रैल को कंबाइन कर दिया कि पहली अप्रैल, दूसरी अप्रैल, तीसरी अप्रैल, चौथी अप्रैल। तो एक हमारा एक यूनिक बन गया, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब यूनिक हो गया। अब मैं यहां पे फिर से काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, और काउंट इफ में मैं इसमें बताऊंगा कि भाई अप्रैल या जैन जो भी है कितना बार रिपीटेड है, 9 टाइम रिपीटेड है। मैं मैनुअली यहां पे एक सीरियल नंबर दूंगा और फिर कंडीशन लगाऊंगा इफ का कि इफ अगर ए इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 9 है तो ब्लैंक आए, अदरवाइज इसमें +1 करे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका सीरियल नंबर 9 तक ही बनेगा। और मैं फ्रीज करना चाहिए था हमें J1 को, तो 9 तक ही बना। लेकिन नीचे जो एरर आता है, इस एरर को रोकने के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि इसमें हम दो फॉर्मूले डाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला एरर आया तो दूसरा चीज शो हो जाएगा। इफ के एरर की जगह पे क्या शो करना है, पहले में फॉर्मूला डाल दीजिए, अगर ये फॉर्मूला रिजल्ट दिया तो रिजल्ट शो करेगा, अगर फॉर्मूला एरर दिया तो एरर की जगह पे क्या शो होगा,
वो चीजें यहां पे आपको दिखेगी, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो अब जैसे जितना होगा, जैसे मैं यहां पे फैब सेलेक्ट करता हूं तो फैब का भी 9 ही है, मार्च करता हूं मार्च का भी 9 है, मैं मार्च बढ़ा देता हूं। तो देखिए मार्च का 10 है तो 10 हो गया, 11 है तो 11 हो गया, 12 तो 12, उतना सीक्वेंस देगा। अब यहां यूनिक कोड क्या है कि हमने सीरियल नंबर को और मंथ को कंबाइन किया हुआ है। तो वी लुकअप लगाते समय भी हमें लुकअप वैल्यू में इसी का मेथड करना पड़ेगा, इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। इसको हमने डैश किया मंथ को, और फिर टेबल में हम इस यूनिक कोड से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद तो फिर नॉर्मल जो आप करते हो कर लो, कि यहां आपका पहला दूसरा कॉमा जीरो, फिर अगेन इसमें वी लुकअप लगाएंगे कि इसको सेलेक्ट किया कॉनकेटेनेट डैश, और वापस कॉनकेटेनेट हमने मंथ को सेलेक्ट किया, और फिर टेबल एरे को सेलेक्ट किया एंड कॉमा तीसरा नंबर है एंड कॉमा जीरो, कॉलम नंबर 3 तो 3 दे दिया। ऐसे फिर वी लुकअप, इसको सिलेक्ट करता हूं एंड परसेंट डैश, अगेन हम मंथ को सिलेक्ट किए एंड कॉमा, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और ये तीसरा से चौथा हो जाता है, चौथा कॉमा जीरो, और अगेन मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा ऐसे, इसको ऐसे हम ड्रैग भी कर सकता हूं, लेकिन बार बार इसे लगा रहा हूं ताकि आप समझ जाए ताकि मैं कर कैसे रहा हूं, ताकि आपको रिपीट करवाने की जरूरत ना पड़े। चौथा पांचवा कॉमा जीरो, और इसमें हमने अच्छा इसको नहीं दिया मार्च को, एंड लास्ट अगेन वी लुकअप, हमने सीरियल नंबर के साथ उसका मंथ को कॉनकेटेनेट किया, डेटा को सिलेक्ट किए एंड कॉमा, ये आ गया आपका 4567 सेवन कॉमा जीरो, सॉरी 7 नहीं 6 होगा, गलती काउंट कर दिया। अब नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे फ्रीज करने होंगे ये जो हमारे है ना मंथ नेम, इसको हम F4 से या फिर डॉलर लगा के हम फ्रीज कर देते हैं, और अगेन F4 और अगेन F4 एंड अगेन F4 और ऑल्सो यहां भी हम देते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि ए एरर आएगा, नीचे देखिए ये नहीं था तो एरर फर्स्ट और दिखेगा, तो इस केस में हम यहां इफ एरर वाला मेथड लगा सकते हैं, इफ एरर कॉमा ब्लैंक, और यहां भी इफ एरर, ब्लैंक सॉरी और अगेन इफ एरर और यहां पे कॉमा ब्लैंक और अगेन इफ एरर एंड कॉमा ब्लैंक, फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे।
गया। अब यहाँ पे मार्च की जगह पे मैं जैन डालूंगा तो जैन के सारे रिपोर्ट आ जाएंगे। एक मिनट, जैन फैब किया तो फैब, अप्रैल किया तो अप्रैल, और मई किया तो मई। तो कम होगा तो बढ़ जाएगा और ज्यादा होगा तो घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब बात करते हैं डायनेमिक चार्ट का, जो उन्होंने बताया। तो डायनेमिक चार्ट का कंसेप्ट समझिए, कोई बड़ा चार्ट नहीं है, छोटा सा ही चार्ट है, छोटा सा चीज है, समझ जाइए पहले। जो मैं फाइल ओपन करता हूं, इसमें जो हमने लास्ट में चार्ट दिखाए हैं यहां पे, इसके बारे में बोले थे। तो सिंपल बात समझिए कि मैंने यहां पे सबसे पहले मैनुअली में 3 लिखा और फिर मैंने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। ऑफसेट क्या करेगा कि जो नंबर यहां रहेगा उस नंबर से काउंट करके उसकी वैल्यू को यहां शो कर लेगा। ठीक है, हमने ऑफसेट A1 से हमने बोला तीसरा नंबर रो तो यहां से 0 1 2 3 PNB को लिया और इसकी रिजल्ट को शो कर दिया। इसको लगा कि हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब हमने डेवलपर टैब में गए और डेवलपर टैब में जाने के बाद हमने यहां कॉम्बो वर्क्स को निकाल के डिजाइन किया। अब कॉम्बो वर्क्स के अंदर सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन में ये सारे बैंक के नेम आने चाहिए, तो उस पर राइट क्लिक करके हमने फॉर्मेट कंट्रोल में गया और फॉर्मेट कंट्रोल में मैंने यहां पे इनपुट रेंज कर दिया, इसमें रेंज लेके डाल दिया ताकि लिस्ट में आ जाए। दूसरा कि जब वो सिलेक्ट करेगा तो IDBI सिलेक्ट करेगा तो IDBI का पोजीशन क्या है, पहले नंबर पे है, तो सेल लिंक इसलिए डाला गया ताकि अगर पहले नंबर पे है तो उसका पहला सिक्वेंस नंबर 1 शो करेगा। जैसे यहां पे 1 शो करेगा ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, जैसे यहां रिजल्ट चेंज होगा चार्ट भी अपना रिजल्ट को चेंज कर देगा। ऐसे मान लो कि उसने यहां से SBI को सिलेक्ट किया तो SBI का पोजीशन दूसरे नंबर पे है, तो फिर ये यहां पे सेल लिंक पे 2 टाइप हो जाएगा और जैसे ही ये 2 टाइप होगा ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा और चार्ट अपना रिजल्ट चेंज कर देगा। तो ये कॉम्बो बॉक्स का बड़े कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सिंपल क्या है कि जो ड्रॉप डाउन बनाएगा उसका एक सीक्वेंस नंबर यहां पे एक जगह पे जहां सेल लिंक डालोगे वहां पे वो डाल देता है। और बाकी कमाल होता है ऑफसेट फॉर्मूला का। ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, अपना रिजल्ट चेंज करता है, और ऑफसेट अपना जब रिजल्ट चेंज किया तो अपना ये कर दिया। अगर ऑफसेट से दिक्कत होगा तो आप यहां पे एक सीरियल नंबर इंसर्ट कर ले और फिर वी लुकअप भी लगा सीरियल नंबर से, लेकिन उससे बेटर है कि आप ऑफसेट इस्तेमाल करें। ऐसी चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक जगह पे जो सिलिंग हमने सिलेक्ट रखा है वो ट्रू एंड फॉल्स देगा। बाकी आपके फॉर्मूले का कमाल है कि ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और सेम थिंग स्पाइन बटन जो डालोगे मिनिमम मैक्सिमम, ऊपर करोगे तो इंक्रीज होगा, नीचे करोगे तो डिक्रीज होगा, और जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा तो बाकी अपना फॉर्मूला कमाल दिखाएगा। ठीक है अतीश जी, एनएस जी, और कोई डाउट है? ऐसे अगर छोटी मोटी डाउट है तो आप लोग फोन से भी कंसल्ट, इसलिए मैंने सबको नंबर अपना स्क्रीन पे शो कर दिया था कि आप लोग हमारा मुझे जो है कॉल भी कर सकते हैं अगर छोटा मोटा डाउट हुआ तो, हम आपको फोन भी रिजॉल्व कर देंगे। रिकॉर्डिंग ठीक है सर। में आज रात वैसे मोबाइल नंबर तो आपका में दे दिया है।
मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है आप सबको आपका, तो कोई इसके बाद छोटा मोटा डाउट होगा तो आपसे पूछ लेंगे, हाँ पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है।